सभी बच्चों को प्रत्यावी को गुड मॉर्निंग, सभी पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग, बड़ों को चरण स्पर्श। चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने पाठ पढ़ चुके हैं और ग्रामर वाटिका है ना, व्याकरण वाटिका, उसमें अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय अव्यय क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि जनवरी में आपके पीरियडिक टेस्ट आ रहे हैं। उसे रेडी टेस्ट में भी शुरू के पाठ तीन आएंगे हिंदी में, जैसे हम बता रहे हैं आपके पाठ कौन कौन से आज पढ़ना है आपको। इसमें पहला तो है चिट्ठी, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11। चिट्ठी के बाद है मिले स्वर मेरा तुम्हारा, फिर इसके बाद है आपका पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 हो गया, 10 हो गया, और फिर आ जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। तीन पार्ट आपको प्रीटेस्ट के लिए अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ व्याकरण में अव्यय पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। अव्यय के बाद क्या आएगा ये भी बतला रहे हैं, अव्यय के बाद आएगा वाक्य रचना, ये पूरे अच्छी तरह से पढ़ना प्रीटेस्ट में आएगा। ठीक है, अभी अपन ने बहुत लेसन पढ़ लिया, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जाएगा ज़्यादा हम पढ़वा देंगे तो, इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आपका रिवीजन करवा रहा है अव्यय। अव्यय क्या होता है चलिए ध्यान दीजिए, अव्यय पढ़ेंगे इसमें पेज नंबर 74, 75, 76, 77, 78, 79 पूरे जितने भी है इसमें लेसन के बाद ये एक्सरसाइज पूरी हम आपको रिवीजन करवाएंगे समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पेज नंबर खोलिए 74। अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जरूरत के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जरूरत के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, अतः इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द जो अपना रूप बदल लेते उसे विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय ऐसे होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते, अव्यय अपना रूप नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अविकारी भी कहा जाता है। अव्यय को क्या कहा जाता है, अव्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को विकारी। अव्यय के चार भेद होते थे, चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मादी बोधक। अब पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी देखो किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप देखिए, आदमी दूर जा चुका है, आदमी दूर जा चुका है, बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। ऊपर चित्र में आप देख रहे हैं दूर और जोर जोर से शब्द क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, यह जानकारी देने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है। कहा जा सकता है कि, फिर देखो इसकी क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बता, जैसे कल छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मेहमान अंदर बैठे हैं, दीपा ज़्यादा बोलती है, मौसमी चोट लगने कारण धीरे धीरे चलती है। मौसमी चोट लगने कारण धीरे धीरे चलती है, मौसमी एक नाम है, उसको चोट लग गई है, चोट लगने के कारण वह धीरे धीरे चलती है। रीता अभी लौटी है, तुम पास ही बैठो। भरत बहुत पढ़ता है, ये सब क्या हो रहा है, क्रिया है। आप इन सब वाक्यों से क्रिया के विषय से पता चलता है, क्रिया के साथ कब कहाँ कैसे कितना लगा का प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही क्रिया विशेषण होगा। जैसे पहले वाक्य में छुट्टियाँ खत्म होंगी, उत्तर है कल। दूसरे वाक्य में मेहमान कहाँ बैठे हैं, उत्तर है अंदर। जो होगा कल और अंदर क्रिया विशेषण शब्द है। आप संबंध मतलब किसी से रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे कहते हैं संबंध। गीत सुहेल के साथ विद्यालय गया, गीत उसका दोस्त है, सुहेल भी नाम है, के साथ विद्यालय गया, तो रिलेशन होगा गीत किसके साथ गया, सुहेल के साथ, संबंध होगा एक दूसरे का। अनूप अमर के बिना स्कूल नहीं जाएगा, अनूप
अमर के बिना स्कूल दोनों का रिलेशनशिप है, संबंध है, संबंध उदक होगा। पेड़ के पास बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के पास बच्चे खेल रहे हैं, इसे ही संबंध हो गया। कुछ उदाहरण देखिए, निशा का मन घर के अलावा कहीं नहीं लगता। छत के ऊपर गेंद चली गई है, पलंग के नीचे कोई है। विद्यालय के बाहर मत जाना, पार्क के चारों ओर पेड़ हैं। आ पलंग के नीचे कोई है। आप दिए गए वाक्यों में मैं के साथ, के बिना, के पास का संबंध तरफ से सुहेल, अमर और पेड़ संज्ञाओं से, इसलिए ये संबंध बोधक है। कह सकते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जुड़ता है वह शब्द संबंध बोधक होता है। कुछ और संबंध बोधक शब्द हैं, के पहले, के ऊपर, के नीचे, के बाहर आदि। पेज पलटी साहब निकालेंगे पेज नंबर 76। एक वृक्ष हरा भरा, दूसरा सूखा। एक में फल लगे हैं कि दूसरे पत्ते भी नहीं। प्रीति, हरा भरा पेड़ अच्छा लगता है या सूखा? तो प्रीति ने कहा कि उसे हरा भरा पेड़ अच्छा लगता है। इन वाक्यों में और मैं और किंतु या कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समुच्च बोधक है, इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक शब्द कौन से होते हैं? दो शब्दों को, दो वाक्यों को जो जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जो जोड़ते हैं उसे योजक कहते हैं। जैसे तुम और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये योजक शब्द हो गया। फिर जो शब्द दो शब्दों वाक्यांश वाक्य जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक या समुच्च बोधक कहा जाता है। समुच्च बोधक और योजक, ये परिभाषा याद करना, टेस्ट में भी आ सकती है। कोई भी परिभाषा से क्रिया विशेषण अपन ने जितना पढ़ा है सब याद करना है। कुछ योजक इस पर और अब ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, अपन को स्कूल में आके पेपर देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। कुछ योजक इस प्रकार है, यद्यपि, जब, तो, किंतु, परंतु, अतः और इसलिए, तथा, क्योंकि, चूंकि, यदि, तो, अन्यथा आदि। कुछ उदाहरण देखिए, विक्रम दौड़ा ही था कि नीचे गिर पड़ा। विक्रम दौड़ा ही था कि नीचे गिर गया। विक्रम दौड़ा ही था कि नीचे गिर पड़ा। सोनाली और सुहानी बहने हैं, बहुत देर से पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। यदि पास होना है तो मेहनत करो। देखो आपको बताया जा रहा है, तुम खाना खाओगी या सोओगी। माँ बाजार गई क्योंकि सब्जी लानी थी। तो आह कितना अच्छा मौसम है, विश्वादी बोधक आ गया। ओह चारों ओर धुआं ही धुआं है। इन वाक्यों में आह ओह क्रमशः प्रसन्नता तथा परेशानी व्यक्त कर रहे हैं। आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मादी बोधक कहलाते हैं। जो आश्चर्य करते हैं, जैसे आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मादी बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों को लिखते समय विस्मादी बोधक चिन्ह मतलब एक डंडा खींचने छोटी सी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। कुछ विस्मादी बोधक चिन्ह है, अरे, ओह, छी छी, हे राम, हाय, शाबाश आदि। कुछ उदाहरण देखिए, अरे तुम कब आए, हाय सिर में बहुत दर्द है, छी कितनी गंदगी है यहाँ, वाह बहुत स्वादिष्ट खाना है। हम सब जान गए हैं ऐसे शब्दों को, शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विश्वादी बोधक। ये अव्यय के भेद याद करना, नाम भी आ सकते हैं, अब आ जाएगा। इसमें हमने सबने PDF भेज चुके हैं, लेकिन हम वापस समझा रहे हैं पेज नंबर 78। कुछ ऐसे शब्द जारी जिनका रूप नहीं बदलता। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। आज धूप निकली है, आज में गोला बन जाएगा आज, है ना, ये बदली की नहीं। वह मत
वहाँ मत जाइए, तो वहाँ में अंडरलाइन बोला जाएगा मधु बहुत सुरीला गाती तो बहुत, प्रशांत कम बोलता तो कम में आ जाएगा, सोना चोर के पीछे तेजी से दौड़ी तो तेजी से, जितना चाहिए उतना लो तो जितना और उतना, वहाँ वहाँ मत जाइए हो गया, आप मधु बहुत सुरीला गाती तो बहुत, और आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है तो बढ़ती, प्रशांत कम बोलता तो कम में बोला बनाएंगे, बिल्ली चुपके में बोला से आगे बढ़ी मतलब आगे बढ़ी इसमें बोला बनाई, ये हम सब हो गए क्या हो गए अव्यय। अब इन वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण लिखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है तो क्रिया विशेषण हो गई, तेज दौड़ता है विशेषण घोड़ा, मेरा घोड़ा बहुत तेज है विशेषण है ये, आप कुछ पुस्तकें इधर रख दो विशेषण, अरे अभी तक बैठे हो कुछ चल लेते क्रिया विशेषण हो गए, क्रिया भी विशेषण चलना, अभी कितना काम बाकी है विशेषण काम बाकी है कितना काम, फिर आप अकेला कितना करोगे क्रिया विशेषण, कुछ हमें भी करने दीजिए विशेषण विशेषता। समुच्च बोधक द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थान है उसको अपन पूरा भरना है, दादी और पोती दोनों चिड़ियाघर घूमने गए और आ गए, फिर तुम यहीं रहो ताकि बाहर से तुम्हारी मदद करती रहूं, है ना, फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं पहुंच सकी या पहुंच सका, वह वाक प्रतियोगिता बहुत अच्छी बोली किंतु उस योग्यता प्रमाण पत्र उसे नहीं मिला, बोली तो बहुत अच्छी लेकिन उसे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसने बताया कि वह कल आएगा, तुम अच्छी तरह पढ़ लो डैश अन्यथा पास होना मुश्किल है, अच्छे से याद करो पढ़ाई करो नहीं तो पास होना बहुत मुश्किल। इन वाक्यों में संबंध अब इस वाक्यों में अपन को क्या रिलेशन वाले शब्द ढूंढना है, वह माँ के बिना कहीं नहीं जाएगी के बिना, पराठे के साथ सब्जी भी खाओ के साथ, पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी के नीचे, दादी कमरे के अंदर है के अंदर, ये सब संबंध वाले हो गए। अब अव्यय उसके भेद के सही विकल्प का निशान लगाइए, अनय पियानो अच्छा बजाता है तो क्रिया विशेषण, तो अनय पियानो अच्छा बजाता है क्रिया विशेषण। चलिए अब आगे और अपन को पेज नंबर 70 बताते हैं, तो अनय पियानो अच्छा बजाता है क्रिया विशेषण, अनय पियानो अच्छा बजाता है वह गोपाल के बिना तो नहीं जाएगा तो संबंध बोधक, नन्ही हमेशा प्रसन्न रहती है और सोनाली अप्रसन्न तो समुच्च बोधक, फिर अरे विभू तुम यहाँ हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ क्रिया विशेषण। अब विस्मय बोधक में जो आश्चर्य वाले होते चिन्ह अनुर्थ है निर्णय की बिंदी लगाना है कहाँ पे लगा ये ध्यान रखना है, आह कितना सुहाना मौसम, आह के बाद आ गया शाबाश, शाबाश के बाद आ जाएगा प्रथम आने की बधाई, छिक छिक तुम्हारा कमरा बहुत गंदा है, छीछी में अरे अरे के बाद आप बोलते क्यों नहीं, अरे आप बोलते क्यों नहीं क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, तेज चुपके चुपके अचानक शायद आगे पीछे दूर प्रतिदिन आज्ञा पर अल्प बहुत कम आदि, ये सब क्रिया विशेषण होने वाले हैं, इन शब्दों को अपन ने यहाँ पर लिखा है, इतना हमने पूरा पढ़ा दिया, अच्छी तरह से पढ़ना है और पाठ शुरू के पाठ 3 को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, PDF में अपना टेस्ट में आएंगे, टेस्ट की पूरी अच्छी से तैयारी करना, पूरे अच्छे से लिखना है, पूरे शब्दार्थ याद करना है, शब्दार्थ भी आएंगे प्रश्नोत्तर आएंगे, ठीक है अच्छे से चलिए अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा के बाहर जाना है बिल्कुल, अपन को सुरक्षित रहना है तो अपना परिवार भी सुरक्षित रहेगा, चलिए बाय, थैंक यू।